और वहीं नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा, एग्जाम को जीरो एरर बनाया जाएगा। एनटीए के लिए हाई कमेटी गठित होगी जो इसको और बेहतर करने के लिए सिफारिश देगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से लगातार संपर्क में हम हैं और पटना पुलिस के पास कुछ जानकारियां आई हैं जो सबके सामने भी हैं। डिटेल्स रिपोर्ट्स जल्द भारत सरकार को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो एनटीए हो या एनटीए हो, उससे जुड़ा कोई अधिकारी हो, के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है, उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे।